प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। संडे को संडे को मस्त नहा धो के आ और आना, मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा। संडे को पक्का ना? पक्का। चलो अभी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू स्क्रीन गुरु। सो हियर आई एम विद अ न्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड दिस विल बी अबाउट, एज द थंबनेल सजेस्ट, इट विल बी अबाउट डीकोडिंग द यूपीएससी सीडीएस एग्जाम, दैट इज द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। ओके, सो बिफोर एवरीथिंग यार, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ आर होल टीम एंड आर स्क्रीन गुरु फैमिली, आई वुड लाइक टू विश ईच एंड एवरी व्यूअर अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। Beat you are a male or female or any other gender, it doesn't matter, you should celebrate this day. And not just this day guys, even if you are viewing this video on a later date, it is still a happy Women's Day, and be grateful that you have women in your life, be it in the form of your mom, be it in the form of your relatives, or be it in the form of your girlfriend, friend, anything. They are just magicians, as I shared the post. Okay, on Instagram. If not, you can join and you can have a look at our Insta, Telegram pages, so that you get content all across the social media handles. Okay, so with that, let's start with our video. And yeah guys, कोई भी एग्जाम अगर आपको डिकोडिंग करना हो ना, डिकोड करना मतलब कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना हो, तो उसके तीन मेन हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज यू शुड नो द पेपर पैटर्न, सेकेंड इज यू शुड नो द सिलेबस, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एंड थर्ड इज यू शुड नो द ट्रेंड्स, दैट इज कट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, कट ऑफ क्या है, एंड फोर्थ इज बेस्ड ऑन ऑल द थ्री कंसेप्ट यू शुड मेक योर स्ट्रेटेजी। सो दिस स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, ये तो आपको सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन तभी भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि सब चीज़ का कैसे, कहाँ, क्या टिप्स ट्रिक्स यूज़ करना है, और फाइनली जाके हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कि यार ये जो सीडीएस एग्ज़ाम है वो हम क्रैक कैसे कर सकते हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अगर हम IMA, AFA, OTA, अलग अलग है ना ब्रांचेस, तो जो भी ब्रांच के लिए कर रहे हैं तो वो ब्रांच के हिसाब से कट ऑफ क्या होता है, या फिर वो ब्रांच के हिसाब से मुझे एम क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं राइट when you are giving these exams. Even if you are given these exams, many aren't aware of these three strategies. First is a paper pattern, second is syllabus, third is cutoff. Always remember that. Not just CDS, beat any damn exam. Beat your academics, etc. Academics तो यार cutoff नहीं आता, वहाँ तो आपको highest score करना पड़ता है, but ये दो चीज़ आएंगे वहाँ, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये. So let's start with the CDS today. And इसमें हम paper pattern देखते हैं सबसे पहले. अगर आपको पता है ना तो भी skip मत करिए यार, शायद आपको कुछ नई चीज़ पता चल जाए, थोड़ा ध्यान हो जाए, या फिर ध्यान आ जाए वापस, कुछ रिमेंबर कर जाओ आप. सो लेट्स स्टार्ट. द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर थ्री, दैट इज़ इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स को वो लोग यार वो बोलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ओके, डजेंट मैटर यार, मैथमेटिक्स, मैथ्स, जो भी बोलो, मैथ्स ही होता है उसमें, नंबर्स ही होते हैं. देन टोटल मार्क्स, दैट इज 300, ओके. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द पेपर पैटर्न. सो इंग्लिश विल हैव 120 क्वेश्चंस and the total marks would be 100. So roughly अगर हम divide करें तो per question अगर हम mark देखें तो एक question के 0.83 marks होते हैं, ठीक है, और general awareness में भी same, 120 questions and 100 marks, that is 0.83 marks for each question, and the total time is 2 hours, and here also you have 2 hours. Then mathematics section, ये paper में आपके 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए एक मार्क होगा, ताकि आपके टोटल मार्क्स 100 हो जाए, और आपका जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर्स, एंड सो योर टोटल टाइम वुड बी 6 आवर्स. तो ये जब भी एग्ज़ाम होगी ना, इसके बीच में आपको 30 मिनट्स का गैप होगा, एंड इसके बीच में आपको अगेन 30 मिनट्स का गैप होगा, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है, पकड़ के चलिए, चेंज हो सकता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये पकड़ के चलिए, ठीक है, 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको गैप होता है, तब आप मतलब रिफ्रेश हो सकते हो, कुछ नाश्ता वाश्ता करके आ सकते हो वापस. और अगर आप OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए पेपर पैटर्न सब सेम रहने वाला है, सिर्फ ये जो मैक्स मैंने हाईलाइट किया है ना नीचे, आपको दिख रहा होगा, ये जो मैक्स है वो आपको मैक्स सेक्शन नहीं होगा, दैट इज़ ये सेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा आपका, तो आपका टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 होंगे, क्योंकि आपके दो ही पेपर है ना, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस. तो अगर आप OTA के लिए अप्लाई किए हो, दैट इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज OTA, और इफ यू आरंट एप्लीकेबल
और एलिजिबल फॉर IMA AFA एक्सेट्रा, जैसे कि OTA की एज भी थोड़ी ज़्यादा होती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मगर अगर आप नहीं बैठ रहे हो, जैसे कि IMA AFA सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अगर आप नहीं बैठ रहे हो, आपने अगर OTA दिया है तो आपके सिर्फ दो पेपर होंगे, तो ये पेपर और ये पेपर के बाद आप सीधा घर जा सकते हो, ठीक है, तो आपको एक छूट मिल जाएगी जल्दी। सो यार हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ये बात ध्यान रखना, द नेगेटिव मार्किंग इज़ 1/3 फॉर इंग्लिश एंड GA, दैट इज़ 1/3, मतलब जो भी पॉजिटिव मार्क्स होंगे उसके 1/3, तो प्लस 0.83 हो रहा है तो उसका 1/3 क्या होगा, -0.27, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत आता है तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, -0.27, याद रहेगा, अगर नहीं रहेगा यार तो लिख लीजिएगा, ठीक है यार। सब अब फुकट दिमाग में क्यों प्रेशर ले रहे हो, जो जो चीज़ आप नोट्स बना सकते हो तो बना लिया करो, ठीक है, फुकट प्रेशर नहीं लेना, ये सब चीज़ याद रख के आपको थोड़ी मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपके लिए आसानी होगी और आप भूलोगी भी नहीं या फिर कंफ्यूज भी नहीं होगे। और मैथ्स के लिए जैसे कि उन्होंने +1 दिया है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33, ठीक है। नाउ दिस वॉज अबाउट द पेपर पैटर्न फॉर IMA AFA INA, IMA मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी, दैट इज़ फॉर द आर्मी, देन एयरफोर्स अकेडमी, दैट इज़ फॉर द एयरफोर्स, देन इंडियन नेवल अकेडमी, दैट इज़ फॉर द नेवी, एंड OTA जो होता है वो आर्मी के लिए होता है अगेन, बट इट इज़ अ शॉर्ट सर्विस कोर्स, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कोर्स होता है आपके लिए, तो शॉर्ट सर्विस कोर्स मतलब आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा, मतलब आप थोड़े साल सर्व करोगे आर्मी में, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, एंड बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इफ़ यू फुलफिल द पर्पसेस एंड इफ देर आर वैकेंसीज, यू विल गेट अ परमानेंट कोर्स एज वेल, लेकिन आप शॉर्ट सर्विस में रहोगे, ठीक है। अगर आपको परमानेंट कोर्स मिलता है तो वो बात की बात है, मतलब आपके उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं अंदर, आप जब आर्मी में जाओगे तो आपका जो भी प्रोफाइल है वो अच्छा है कि नहीं, वैकेंसी है कि नहीं, वो पर्टिकुलर रेजिमेंट में वगैरह वगैरह, तो उसके बेस पे आपको परमानेंट मिल सकता है, लेकिन तभी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन, इवन इफ़ यू आर यार मतलब अगर मैं मेरा टेक बताऊं, इवन इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन द यूनिफॉर्म इन सच रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द आर्म फोर्सेज, एंड इवन इट इज़ जस्ट फॉर अ सिंगल डे, आई वुडेंट माइंड इट, बट आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन, वो बहुत बात की बात है, लेकिन OTA अगर आप सेकंड प्रेफरेंस रख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर कोई भी वजह से आप पहले रख रहे हो, तो मैंने उसका भी पेपर पैटर्न बता दिया है, ठीक है, और उसमें कोई छोटी बात नहीं है कि आप शॉर्ट सर्विस के लिए जा रहे हो। नाउ लुकिंग एट द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर डिकोडिंग एनी एग्जाम, दैट इज़ द सिलेबस, तो यार रफली फटाफट देख लेते हैं हम सिलेबस क्या है और इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में वो लोग ये एडवर्ब क्या है, एक सेंटेंस देंगे उसमें एडवर्ब पूछेंगे कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस, ये सब जो होता है ना, क्लॉजेस, सिंपल क्लॉज, ये सब आपको पूछे जाएंगे, दैट वुड बी सिलेबस फॉर इंग्लिश। देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस दैट इज जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो भी आप बोलना चाहो, और उसके जो सिलेबस है दैट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगेन इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडिवल, ये सब अलग अलग हिस्ट्री के सेक्शंस होते हैं। देन यू हैव ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, देन इंडियन पॉलिटी, M. लक्ष्मीकांत की बुक, बस बात खत्म, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। Then coming to economics, now in economics you will have the basics of economics, fundamentals, what is the curve, what are basic knowledge about the economics. Then general science, in general science you can be asked about physics, you can be asked about chemistry, and there will be also some basic questions about the biology as well. Then coming to current affairs, it is very important to know that current affairs is again important in the general awareness section. Needless to say that, right? मतलब सभी एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स तो होता ही है। देन स्टैटिक GK, कभी कभी स्टैटिक GK भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मूविंग अहेड इन द मैथमेटिक्स सेक्शन यू विल हैव अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ लुकिंग एट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डन विद पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। नाउ लुकिंग एट द थर्ड पॉइंट दैट इज़ द कट ऑफ फ्रेंड्स। अब ये आपको पता होना चाहिए ताकि वैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करो ना, अगर आपने नहीं किया होगा, और अगर कर लिया होगा तो वैसे ही आप अटैम्प्ट करने की शुरू करोगे, मॉक टेस्ट देने का शुरू करोगे, राइट, यू विल स्टार्ट अटैम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट और यू विल
फाइनलाइज योर अप्रोच बिफोर द एग्जाम. यार आपको पता होना चाहिए कि हाँ कल मेरी एग्जाम क्रैक हो रही है. इट शुड नॉट डिपेंड यार हाँ देखते हैं कल कैसा पेपर आएगा. एग्जाम के पहले आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ इतनी मेरी तैयारी हो गई है, मैं इतने इतने क्वेश्चंस करने वाला हूँ. आई विल अटेम्प्ट दिस मेनी क्वेश्चंस, इट विल अचीव मी दिस मेनी मार्क्स एंड आई विल श्योरली गेट द कट ऑफ क्लियर. ठीक है, तो ऐसा आप ये जो विनर्स की स्ट्रेटेजी होती है, जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है, ये फॉलो करिएगा. और इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है और स्मार्ट वर्क करना है, गधा मेहनत नहीं करनी. ठीक है, तो द प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर IIM एंड OTA. एंड नाउ वी विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द एडमिन दैट इज द स्क्रीन गुरु और मी स्पीकिंग टू यू इज सो ऑब्सेस्ड विद IIM एंड OTA. आई हैवंट प्रोवाइडेड यू विद द AFA एंड INA कट ऑफ्स, राइट? तो यार IIM और OTA मैंने इसीलिए दिया है बिकॉज द फर्स्ट रीजन इज मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अप्लाई फॉर IIM एंड OTA. सेकेंड रीजन इज इट इज़ द मीडियन स्कोर. ना मीडियन या फिर मीन कंसिडर कर लो आप. ठीक है, जो IIM और OTA का कट ऑफ होता है ना वो मीडियन होता है. जैसे कि समझ लो यहाँ पे 118 है तो INA का कट ऑफ इससे कम होगा. 118 है तो 110 होगा, दैट इज़ INA. एंड AFA का कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा होगा, 128. तो इसके बीच वाला जो होगा ना दैट इज़ IIM 118. ठीक है, सो IIM इज द IIM का कट ऑफ जो होता है वो मीडियन होता है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं. इसके नीचे जो कट ऑफ होगा वो INA का होगा और इसके ऊपर जो कट ऑफ होगा वो AFA का होगा. एंड दिस इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. ठीक है, INA का कट ऑफ कम होगा, IIM का मीडियम होगा. बीच वाला जो कट ऑफ होगा वो IIM का होगा और उसके ऊपर जो कट ऑफ होगा द हाइएस्ट कट ऑफ इज हाइएस्ट, ये लिख लो अगर आप AFA के लिए तैयारी कर रहे हो तो हाइएस्ट वुड बी AFA का कट ऑफ होगा. तो जो भी कट ऑफ मैंने दिया है ना उससे आप पकड़ लो 15 मार्क्स, 15 टू 20 मार्क्स आपका कट ऑफ ज़्यादा होने वाला है, प्लस 15 टू 20 मार्क्स आई वुड से. ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम 2018 में आपका स्कोर कट ऑफ क्या था IIM के लिए, दैट वुड बी 118. चलिए मैं INA के लिए भी बता देता हूँ. INA के लिए आप -10 कर दीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली. एंड AFA के लिए आप क्या करिएगा प्लस 15 टू 20. ठीक है, और यहाँ -10 कर दीजिएगा INA के लिए. तो 2018 में 118 था, फिर 2018 के 2 दैट इज़ CDS 2 2018 को 116, OTA के लिए 69 एंड 80. नाउ दिस इज़ आउट ऑफ 200, ये आपको याद रखना है. ये 200 मार्क्स में से और ये 300 मार्क्स में से, क्योंकि ये नंबर क्लोज है तो आपको लगेगा यार कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ. देन कमिंग टू 2019 दैट इज़ 116, देन 134, देन 78 एंड 95. दिस इज़ ऑफ OTA. नाउ टॉकिंग अबाउट 2021, 130, CDS 2 2020 दैट इज़ 139, देन 93, 97. और जो CDS 1 2021 है उसका कट ऑफ 140s में वेरी करेगा और यहाँ 140 अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेशन सब ने लगाया वो ये है 140 में वेरी कर रहा है. ठीक है, दैट इज. एंड देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एज हाईलाइटेड, द सेक्शनल कट ऑफ इज 20%. अब ये क्यों? बिकॉज द GK सेक्शन एज वेरी पॉपुलर, द UPSC GK सेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, जो भी UPSC बनाते हैं उनके GK सेक्शन टफ होते हैं, तो इसीलिए ये सेक्शन कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंग्लिश और मैथ्स में तो आप 4 दोगे, ठीक है, लेकिन GK में फिर ये 20 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी तो. सो एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ यू आर वेरी गुड एट 2 पेपर्स, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ द 3rd एज वेल. अभी ये टारगेट सेटिंग, टारगेट मैंने आपको बता दिया 165, 175, 160 और 125. ठीक है, IIM के लिए 165 होगा. अब ये क्यों? देखिए यार कट ऑफ कितना है, 130, 139, 140 बोल रहे हैं, तो यार ये 150 भी जाएगा. पता नहीं हमें 2021 में 150 तक गया होगा, 140 टू 150 कट ऑफ रहने वाला है, राइट? ये दोनों एग्जाम्स में. तो अगर आपने 165 टारगेट किया ना तो तब जाके आपको 160 आ जाएंगे, राइट? 160 और उससे ज़्यादा ही ऊपर आप स्कोर करोगे तो आप आराम से सेफ होंगे. बट अगर आप एकदम ब्रिम पे, जैसे कि 150 अगर आप टारगेट कर रहे हो
देन यू कैन बी एट लॉस। अगर आपको 150 आ भी जाए तो भी शायद आप क्लियर ना कर पाओ क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हो रहा है। फ्रेंड इज लाइक द ग्रोइंग कट ऑफ, द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग, हेंस एम फॉर 165 एंड यू विल डेफिनेटली अचीव मोर देन 160 मार्क्स एंड यू विल बी ऑन द सेफर साइड फॉर द आई एम ए। एंड जैसे कि मैंने कहा ए एफ ए के लिए कट ऑफ ज़्यादा होगा, तो 175 प्लस, दिस इज ऑल प्लस, हाँ ऐसा नहीं कि 165 आपको ज़्यादा आ रहे तो आप इससे कम ही लाओगे। जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन यू आर टारगेट 165, अगर आपको 170 भी आ रहे हैं तो 165 करके आओगे, ऐसे नहीं, ठीक है। दिस इज द मिनिमम कट ऑफ आई वुड से, और मिनिमम टारगेट 175 फॉर ए एफ ए, 160 फॉर आई एन ए एंड ओ टी ए 125। नाउ ओ टी ए अगेन, नाउ ओ टी ए इज फ्रॉम 200, ये 200 मार्क्स में से बात चल रही है ओ टी ए के लिए। तो ओ टी ए के लिए आपको अगर मैथ्स नहीं पढ़ना है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश और जीके के लिए। एक पेपर यार पूरा बच रहा है ना आपको, तो जो भी टाइम बच रहा है आपको एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड और यू प्रैक्टिस मोर अबाउट द जीके एज वेल एज द इंग्लिश सेक्शन। मूविंग अहेड टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, द मोस्ट अवेटेड पार्ट, राइट। आपने स्किप करके भी, शायद आप स्किप करके यहाँ तक पहुँच गए होंगे, डजेंट मैटर यार। चलिए फिर से मैं आई एम ए के लिए बताता हूँ आपको, यहाँ ए एफ ए आई एन ए और ओ टी के लिए भी लिख दिया है, ठीक है, तो डोंट वरी। ना इंग्लिश के लिए 90 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 65 मार्क्स लाने हैं। जी ए के लिए 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 35 मार्क्स लाने हैं। मैथ्स के लिए 70 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 65 मार्क्स लाने हैं। और आपके पास जी ए में 120 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस होते हैं। सो यू हैव 30 क्वेश्चंस विच कैन बी टफ, विच कैन बी डिफिकल्ट, या फिर आपको वो समय याद नहीं आ रहे होंगे तो 30 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। यहाँ आपके पास होल 70 क्वेश्चंस आपको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, टारगेट के हिसाब से। बट आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड दीज आर द मार्क्स। हाँ आप ऐसे मत समझो कि यार मैंने इसी को चेंज करके लिख दिया है, मैंने 90 क्वेश्चंस में आपके अगर 10 भी गलत होते हैं, -10 भी कर दोगे तो आपको 66 के आसपास स्कोर आएगा, तो इसीलिए मैंने ये मिनिमम मार्क्स लिखे हैं। तो मिनिमम मार्क्स एंड दीज आर मिनिमम क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट, दीज आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना यार सर को मैथ्स नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हैं, 0.83 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ नॉट इक्वल, कमेंट कर दोगे, यार ये उसकी बात नहीं चल रही, दिस इज़ मिनिमम मार्क्स, ठीक है। आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी ना, आप अगर 90 अटेम्प्ट कर रहे हो आपके 80 राइट आएंगे, तो जो 10 होंगे तो 10 के नेगेटिव मार्किंग भी होगी, -0.27 भी होगा, राइट। तो वो सब कैलकुलेट करके मैंने मिनिमम मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ 90-95% एक्यूरेसी। अगर आपकी उतनी होगी 90-95% एक्यूरेसी तो आपके इतने मार्क्स आ जाने चाहिए, दैट इज मिनिमम मार्क्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ 35 मैंने लिखा है, यहाँ 65 मैंने लिखा है, यहाँ 65 मैंने लिखा है। तो अगर ऐसे हो रहा है ना कि आपको जीके बहुत ही टफ पड़ रहा है या फिर आपको एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा ही टफ लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, ये 35 मार्क्स की जगह आप 25 मार्क्स ला लेना। तो यहाँ क्या करोगे आप, इंग्लिश का थोड़ा सेक्शन ईजी हो जाएगा या फिर मैथ्स का सेक्शन ईजी होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ ऐड कर दोगे, यहाँ आपने 10 कम कर दिए, यहाँ 70 मार्क्स ला लिए, यहाँ 70 मार्क्स ला लिए, इट डजेंट मैटर। बट यू शुड कीप इन माइंड दैट यू शुड हैव अ सेक्शनल स्कोर ऑफ मोर देन 30 आई वुड से यार, 25 भी वो लोग कभी कभी कट ऑफ लगा लेते हैं, तो 25 रखिए। चलिए अगर आपको एकदम डिफिकल्ट लगा तभी भी 25 प्लस स्कोर इन ईच पेपर, ठीक है, 25 प्लस स्कोर इन ईच पेपर एंड ओवरऑल टारगेट शुड बी और स्ट्रेटेजी वुड बी टू स्कोर 165 मार्क्स। नाउ फॉर ए एफ ए, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग और ट्राइंग फॉर ए एफ ए, दैट इज़ एफ ओ अकेडमी, प्लस 5 मार्क्स इन ईच पेपर, दैट इज़ योर टारगेट वुड बी अगेन 180 पकड़ लीजिए, चलिए 15 मार्क्स, 180 मार्क्स आपके टारगेट होंगे। फॉर आई एन ए -2 मतलब यार कुछ भी नहीं यार, 160 आपका टारगेट होगा आई एन ए के लिए। फॉर ओ टी ए +10 इन बोथ पेपर्स, मतलब दो पेपर्स में +10 आपको करना है, दैट इज 65 +35 वुड बी 100 +10 इन बोथ द पेपर्स 120, राइट। तो 120 का आपको टारगेट बन गया, दैट इज फॉर ओ टी ए। अभी ओ टी ए में आप ज़्यादा करोगे, जैसे कि इसमें आपको अगेन सेक्शनल कट ऑफ होगा 20-25%, तो आपको इसमें अगर आप कम कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई वुड से दैट फॉर जी ए ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो बिफोर द एग्जाम, बिफोर 1 वीक और सो,
सो वॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स और द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप बहुत सारे चैनल्स भी फॉलो कर सकते हो. मैंने पहले भी एफ कैट, अगर आप एफ कैट सीरीज से फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था, ठीक है. एंड दैट्स इट यार. आई होप द स्ट्रैटेजी इज मेकिंग सेंस टू यू. दिस स्ट्रैटेजी इज बाय माई ओन सेल्फ. आई हैव क्रैक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स. और मैं यार टाइप्स बोल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यार बहुत एग्जाम्स हो गए ना अभी. जैसे कि मैंने बैंकिंग क्रैक कर लिए, सबके प्री एग्जाम्स क्रैक कर लिए. देन आई हैव रिसेंटली स्कोर्ड अ गुड परसेंटाइल इन द कैट एज वेल. देन एफ कैट टी एस के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, एनडीए क्रैक किया है. तो यार बहुत एग्जाम्स हो गए, तो इसीलिए मुझे जो भी पता है मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप दैट इज़ ऑफ वैल्यू टू यू एंड दैट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. इफ़ सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट. दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट अस इन रीचिंग आर इनिशिएटिव टू अ नंबर ऑफ मोर पीपल. ठीक है. सो दैट्स इट. दैट्स क्रिंगरु फॉर यू. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. ऑल द वेरी बेस्ट. अ फ्यू इंचेस लेटर. व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बी अ आर्मी एंड सेव पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉय इंडिया. स्ट्रांग आर्मी वो ग्रेट. तो प्लीज सर please sir, I want to reach 1 million.